नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं हेलो एल्केन का थर्ड वीडियो लेक्चर डिस्कस करूंगा और इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। एनसीईआरटी बुक का जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं दोस्तों, इसमें सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो कि आपके 2025 में होंगे, दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, तो कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आईपीसी नेम की बात करता हूँ तो हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की टेबल दे रखी है। कॉमन नेम्स हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ये वाले जो कॉमन नेम्स हैं इनके बारे में मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात आती है इनके कॉमन नेम्स, सॉरी आईपीसी नेम्स। तो आईपीसी नेम इन हेलो एल्केन का कैसे देंगे, इसका एक मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आईपीसी नेम का जो तरीका है उसे से वो कैसे देंगे हेलो एल्केन्स के लिए वो बताता हूँ। देखिए, जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है, हम सबसे पहले बात यही करते हैं लॉन्ग कार्बन चेन को चूज करो। जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है दोस्तों, उसको तो अपन रख लेते हैं एल, और इसके अंदर सिंगल बोन है, डबल बोन है या ट्रिपल बोन है, इसके लिए अपन ई और आयन रखते हैं। फिर इसके अपन बताते हैं इसकी पोजिशन, यानी कार्बन चेन में डबल बोन और ट्रिपल बोन की पोजिशन कहाँ है वो बताते हैं। फिर हम इसके आगे रखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की भी अपने क्या बतानी दोस्तों, पोजीशन हमें इसकी भी बतानी। तो ये जनरल तरीका है किसी हेलो एल्केन्स का आईपीसी नोमेनक्लेचर करने का, ठीक है। और अगर कोई गलती से, अगर किसी गलती से क्या दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट हो, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस फंक्शनल ग्रुप का भी आप सफिक्स लगा सकते हैं विद पोजीशन। तो हमारे पास जिस तरह की सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम इस किसी भी कंपाउंड का आईपीसी नेम दे सकते हैं। हमारे पास हेलो एल्केन है तो जो हेलोजन्स होंगी वो हमारे लिए क्या होंगी, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगी, और जो कार्बन चेन है वो अपने लिए क्या होगा, एल्केन होगा। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी हम उसके नामकरण कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात करता हूँ दोस्तों, मैंने ले रखा है CH3Cl। अगर मैं इस CH3Cl की बात करूँ तो ये मेरे लिए हो गई कार्बन चेन और ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करें तो नेम्स में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे देनी पड़ेगी पोजीशंस के साथ में इसका नाम। तो यहाँ हमारे पास है लोन, अब वन पे लगाओ या नहीं लगाओ ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है वन क्लोरो और लॉन्ग कार्बन चेन है मीट और सिंगल बॉन्डेड, इसलिए मीट एन लगा दिया। तो एक सिंपल सा कंपाउंड बन गया क्लोरोमीथेन CH3Cl। कॉमन नेम्स में इसको क्या कहेंगे अपन, मिथाइल क्लोराइड। ध्यान रखना कॉमन नेम्स को भी साथ रखना है जहां जहां पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरा कंपाउंड लेते हैं दोस्तों CH3CH2Cl, ये लॉन्ग कार्बन चेन हो जाएगी अपने पास और ये हो जाएगा अपने पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसकी पोजीशन भी वन पे है इसलिए क्लोरो और दो कार्बन से ईथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगा, ये हो गया क्लोरो ईथेन हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। अगर किसी ने कॉमन नॉमिनेशन नहीं देखा है तो पिछले जो क्लास का वीडियो है, वीडियो नंबर 2 को जरूर देखना। आगे चलिए दोस्तों, बस आगे कर लेते हैं। अब आगे देखता हूँ दोस्तों, यहाँ से तीसरा एग्जाम CH3, CH2, CH2 और Cl, यानी ये हेलोजन्स है, इसकी जगह आप फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन कोई सी भी एक्स रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। अब नंबरिंग की भी बात करें दोस्तों, कि लॉन्ग कार्बन चेन चूज करने के बाद जो नंबरिंग होती है इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, तो नंबरिंग का मैं तरीका बताता हूँ। अगर सबसे पहले अगर किसी कार्बन चेन में केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जिधर नियरेस्ट पोजीशन होती है उधर से नॉमिनेशन करेंगे, वो नंबरिंग देंगे। फिर अगर उसी कार्बन चेन में अगर मल्टीपल बॉन्ड है दोस्तों, क्या कह रहा हूँ, मल्टीपल बॉन्ड्स है, आई मीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्या कह रहा हूँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से हम नंबरिंग देंगे इंस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। फिर तीसरी कंडीशन कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो हम इन दोनों के कंपेयर में नंबरिंग की जो डायरेक्शन होगी वो किधर से होगी, टू द फंक्शनल ग्रुप होगी। तो हमें ये प्रायोरिटी याद रखनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप केवल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इधर से ही नंबरिंग होगी, फिर अगर मल्टीपल और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है
तो नंबरिंग अगर सारे ग्रुप प्रेजेंट है, ये तीनों वाली कंडीशंस प्रेजेंट हैं, तो फिर नंबरिंग देने का जो तरीका होगा, वे होगा, वो हम इसी प्रायोरिटी के बेसिस पे रखेंगे कि अगर केवल सफिशिएंट ग्रुप है तो सफिशिएंट ग्रुप से देंगे, फिर अगर कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से हो गए, और अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिधर फंक्शनल ग्रुप नियरस्ट पोजिशन पर होगा उधर से हम उनकी नंबरिंग करेंगे। ये इसका तरीका याद रखना। देखिए ये हो जाएगा वन क्लोरो प्रोपेन, सिंपल सा तरीका। अब मैंने इसको ब्रांच कर देना है जो कि पोजीशन ऑफ सीएल है, यानी सीएल की पोजीशन चेंज कर दी। ये मेरे पास लॉन्ग कार्बन चेन हो गई और इसकी पोजीशन वन और टू और थ्री, यानी जो सीएल की पोजीशन है वो सेकंड नंबर पर है। इसका हो जाएगा दोस्तों टू क्लोरो प्रोपेन। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। तो जिधर मल्टीपल बॉन्ड होगा उधर से मैं नंबरिंग करूं, तो मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग मेरे ने इधर से कर ली, इधर मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन अगर ये सीएल इधर होता दोस्तों, यही सीएल इधर होता तो क्या करते, क्योंकि अभी तो मैंने सेप्टेंट ग्रुप की पोजीशन और मल्टीपल की बॉन्ड की पोजीशन दोनों एक तरफ थी, लेकिन अब मैंने इसको चेंज कर दी, तो अब जो मल्टीपल बॉन्ड है उधर से ही मैं नंबरिंग करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मल्टीपल और सब्सटेंट ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम देंगे। इसी तरह दोस्तों अगर कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाए तो हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से, क्या कह रहा हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से जिधर नियरेस्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर बोथ साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम साइड हो तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। क्या कह रहा हूं, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से पोजीशन इन मल्टीपल बॉन्ड्स की सेम है तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड से। लेकिन दोस्तों अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरह से हो, तो देखिए यहाँ वन और टू पे डबल बॉन्ड है, लेकिन इधर नंबरिंग किधर से हो जाएगी, वन पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो नंबरिंग की जो मैं डायरेक्शन होगी वो मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से होगी। तो ये कुछ इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। अब बात करें इनके नेम्स की, तो हाथों हाथ इनके नेम्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये हो जाएगा वन क्लोरो, ये हो जाएगा वन क्लोरो प्रोप वन ईन, इसमें ले लीजिए दोस्तों थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो वन प्रोपीन, इसको प्रोप वन ईन को आप वन प्रोपीन भी लिख सकते हैं। चलिए अब अपन बात करें इस कंपाउंड की। तो देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा, ये पहले सीएल की पोजीशन सफिशिएंट ग्रुप की पोजीशन वन पर है, तो ये हो गया वन क्लोरो। फिर आप देखिए चार कार्बन है, वन टू थ्री फोर, तो ये हो गया दोस्तों ब्यूट। अब इन और आयन से पहले किसको रखेंगे, तो अल्फाबेट अपने को रखना है, तो ये हो गया वन इन और फिर थ्री आई। इसमें सीएल और डबल बोन ट्रिपल बोन की पोजीशन चेंज होने की वजह से जिधर मल्टीपल बोन की पोजीशन है उधर से अपन ने नंबरिंग कर ली, लेकिन सफिशिएंट ग्रुप की पोजीशन फिफ्थ कार्बन पर है, तो फाइव फ्लोरो, ठीक है। फिर हो गया वन टू थ्री पर इन है तो फाइव कार्बन, तो पेंट लगा दिया, वन क्लोरो थ्री पेंटा थ्री इन एंड वन, कुछ इस तरह से इसका नाम दे सकते हैं। इसी पेंट थ्री इन को ही आप थ्री पेंटीन भी कह सकते हैं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो ये भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अब अपन कुछ नॉर्मल टेचर की जो अपने पास टेबल थी उसके अंदर चलते हैं, जो हमने एनसीईआरटी की देख रखी, ठीक है। ये देखिए इस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करें दोस्तों, इसी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करें, तो इसके ऐसे करता हूँ, इस टेबल को उठाता हूँ एक बार यहाँ से, ठीक है। ये हो नहीं रहा, तो अपन यहीं से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ नंबरिंग किधर से होगी, इस डब सफिशिएंट ग्रुप की तरफ से, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट ग्रुप की पोजीशन सीएल की जो पोजीशन है दोस्तों वो सेकंड नंबर पर है, इस सेकंड नंबर कार्बन, तो ये हो जाएगा टू क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया टू क्लोरो ब्यूटेन। अब इसकी स्ट्रक्चर को दोस्तों आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये है नियो पेंटाइन,
कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है, नियो पैरेंटाइल ब्रोमाइड। तो लॉन्ग कार्बन चेन तो दोस्तों ये हो जाएगी क्योंकि ब्रोमीन के हिसाब से लेना है। अब यहाँ वन, ये टू और ये थ्री, ये हो गए अपनी लॉन्ग कार्बन चेन। अब देखिए वन पे ब्रोमो है और टू पे डाइमिथाइल है, इसने लिखा है वन ब्रोमो टू कोमा टू डाइमिथाइल और फिर लॉन्ग कार्बन चेन तीन कार्बन की है, जो कि तीन कार्बन की है, जो क्या हो जाएगा प्रोपेन। फिर यहाँ लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, सी एस थ्री और ये सी एस थ्री और ये है। अब लॉन्ग कार्बन चेन तीन कार्बन की हो जाएगी दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ पर टू पे ब्रोमो है और टू पे मिथाइल और फिर प्रोपेन बच गया, इसने लिख रखा है टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन। यहाँ आ जाइए दोस्तों, ये हो जाएगा वन क्लोरो ईथीन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नंबरिंग यहाँ से रख लेंगे, ये मैंने पीछे बता दिया है नंबरिंग का जो डायरेक्शन है वो किधर से होगी, हो जाएगा थ्री ब्रोमो वन प्रोपीन, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा मीथ और वन कोमा वन डाइक्लोरो मीथेन, ये हो जाएगा वन क्लोरो वन या आप डाइक्लोरो मीथेन भी ले सकते हैं, या इसको वन कोमा वन डाइक्लोरो, क्योंकि एक ही कार्बन इसलिए मीथेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है तो ट्राइक्लोरोमीथेन कर सकते हो या वन कोमा वन ट्राइक्लोरोमीथेन कर सकते हो, ट्राइब्रोमो मीथेन कर सकते हो, टेट्राक्लोरोमीथेन कह सकते हो जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं, और यहाँ से तो नंबरिंग हो जाएगी वन टू थ्री, ये हो गया वन फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, वन फ्लोरो प्रोपेन। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। आगे चले देखो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये कुछ क्वेश्चन है तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे देखिए ये सी एस थ्री हो गया, ये सी एस थ्री ले लेता हूँ, फिर हो गया सी एच फिर डबल बॉन्ड फिर सी एच, ये वाला ये सी एस थ्री, ये सी एच, ये सी एच और यहाँ से फिर सी एच आ रहा है और इस सी एच पे सी एस थ्री है और ये लगा दिया मैंने किया। अब देखिए नंबरिंग देखे तो वन टू पे डबल बॉन्ड है और इधर से देखे तो वन टू थ्री पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम जो नंबरिंग लिखेंगे वो लॉन्ग कार्बन चेन तो ये हो गई और जो नंबरिंग की पोजिशन होगी वो वन टू थ्री फोर और फाइव हो जाएगी, क्योंकि सब्सटेंट की जगह हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे उसको। तो ये हो जाएगा फोर ब्रोमो, क्या हो जाएगा फोर ब्रोमो पेंट टू ईथीन, इसको चाहे आप तो टू पेंटीन भी लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं टू पेंटीन भी लिख सकते हैं, यानी फोर ब्रोमो टू पेंटीन इसका नाम हो जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों, दूसरे के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ देखो ये है सी एस टू, गौर से देखिए ये सी एस टू डबल बोन सी सी एस थ्री, फिर इस तीस से यहाँ सी एच लगा हुआ है और यहाँ ये एच आई सी एच है, इसको सी एच कह दिया मैंने, और यहाँ सी एस थ्री और ये बी आर, यानी इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं सी एस टू डबल बोन सी सी एस थ्री फिर सी एच सी एस थ्री और ये बी आर। अब देखो पोजिशन डबल बोन किधर है, तो वन टू थ्री और फोर, थ्री पे क्या है ब्रोमो, तो ये हो जाएगा थ्री ब्रोमो और फिर टू पे क्या है मिथाइल है, टू मिथाइल और कितने कार्बन है चार, इसलिए ब्यूट हो गया ब्यूट और वन पे डबल बॉन्ड इसलिए वन ब्यूटी, ठीक है। तो इसको कह सकते हो थ्री ब्रोमो टू मिथाइल वन ब्यूटीन कह सकते हो। इसमें आ जाइए दोस्तों, अंदर थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपन। अब देखिए इसमें ये है सी एस थ्री, ये मैंने ले लिया इधर सी एस थ्री, फिर सी एच डबल बॉन्ड फिर सी एस थ्री है, फिर सिंगल बॉन्ड सी एस टू और बी आर। अब नंबरिंग तो आप लॉन्ग कार्बन चेन के हिसाब से ये ले लीजिए। अब आपने सी एस टू क्यों लिया, सी एस थ्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ एक सब्सटेंट ग्रुप भी पोजिशन है, अब इधर से भी डबल बॉन्ड है इधर से भी डबल बॉन्ड है, तो हम फिर जब डबल बॉन्ड की पोजिशन दोनों तरफ सेम है और सब्सटेंट ग्रुप किसी तरफ लग रहा है तो हम सब्सटेंट ग्रुप को प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा वन ब्रोमो टू मिथाइल टू ब्यूटीन, वन ब्रोमो टू मिथाइल टू ब्यूटीन हो जाएगा इसका। फिर अपन आ जाते हैं इस फिफ्थ क्लास को, इस फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ के लिए अपन फिर यहाँ इसको यहाँ से इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये हो गया सी एच थ्री फिर सी एच डबल वन सी एच सी एच टू और ये बी आर, वही सेम पोजीशन है डबल बॉन्ड की, तो सफ्टन ग्रुप किसे डायरेक्शन से ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल सा है ये तो वन ब्रोमो टू ब्यूटीन हो जाएगा दोस्तों। इस सिक्स क्लास वाले को, सिक्स वाले एग्जांपल को ले लो यहाँ से, ये फिफ्थ वाला हो ही गया,
ये सिक्स वाले को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच टू बी आर। बिना स्ट्रक्चर करोगे तो गलती कर सकते हो, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर सही तरह से ड्रॉ कर लेना। ये हो गया अपने पास लॉन्ग कार्बन चेन। अब यहाँ डबल बॉन्ड की पोजिशन वन पर है, इधर से टू पर थी, तो मैंने नंबरिंग इधर से कर दी। ये हो जाएगा थ्री ब्रोमो टू मिथाइल वन प्रोपीन या प्रोप वन, ये वन प्रोपीन। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आईपीसी नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन का, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों इसके बारे में फिर आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ये कहा कि जब भी किसी आईपीसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हमारे पास तरीका होना चाहिए, वो तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि सबसे पहले जब भी अपन आईपीसी नेम देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का नेम सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम देखेंगे, फिर लॉन्ग कार्बन चेन जिसमें मैंने एल्क लिया है, इस एल्क में कितने कार्बन आप कार्बन चेन में आप ले रहे हैं, इसमें कार्बन चेन में कितने कार्बन ले रहे हैं वो इसमें आ जाएगा। फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अपन देख लेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम फंक्शनल ग्रुप को भी रख लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम इस वाला कंसेप्ट को लगाएंगे, अगर किसी के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है तो फिर हम इसी कंसेप्ट के बेसिस पर नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा हूँ, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कार्बन है ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहां मैं ये कह सकता हूँ कि इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है और इस हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। इसका मतलब ये जो स्पीसीज है ये एक पोलर स्पीसीज है, यानी मैं ये कह दूं कि जो हेलो एल्केन है उस हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक पोलर पार्ट है हेलो एल्केन के अंदर। देखिए इसमें लिख रखा है दोस्तों एनसीईआरटी में, सिंस हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, कार्बन कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। द कार्बन एटम बियर्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड वेयर इज द हैलोजन एटम बियर्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यही मैंने अभी बता दिया है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जनरेट। सिंस द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज, अब जो हैलोजन है दोस्तों हम फ्लोराइड ले सकते हैं, क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं और आयोडाइड ले सकते हैं, और यहाँ से फ्लोराइड से क्लोराइड, क्लोराइड से ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड तरफ चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ इनकी एटॉमिक साइज बढ़ती है, यानी हैलोजन की जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज हो रही है, तो ईएन भी तो कम होती है। चलो देखते हैं, तो ये कह रहा है सिंस द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी अगर मैं बात करूँ 17 ग्रुप की, तो 17 ग्रुप में हैलोजन प्रेजेंट है पीरियड टेबल के अंदर, तो फ्लोरीन फिर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए डाउन द ग्रुप चलने पर इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है, तो यही कह रहा है कि हम अगर डाउन द ग्रुप चलें पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप 17 के अंदर, तो इनकी साइज क्या होती है, बढ़ती है, तो फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट व्हाइल द आयोडीन एटम इज लार्जेस्ट, कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज। अब बात यही है कि अगर मैं एटम की साइज बढ़ाऊंगा तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हैलोजन की कम होती जाएगी, जब कम होती जाएगी तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी कुछ इस तरह से। ये बॉन्ड लेंथ कार्बन हैलोजन फ्लोरीन की है, ये कार्बन क्लोराइड की है, ये कार्बन ब्रोमाइड की है, ये कार्बन आयोडाइड की। तो अगर मैं ये कहूँ कि फ्लोराइड से क्लोराइड चला, क्लोराइड से ब्रोमाइड चला, तो इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे चल रहे हैं, द सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डायपोल मोमेंट्स आर गिवन इन टेबल नंबर 10.2। इसका मैं डिस्कशन दोस्तों कल करूंगा, कल की क्लास जो अपने वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगी, इसके अंदर इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और यहाँ से दोस्तों कई बार नीट एग्जाम में भी और जेई में भी क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर बोर्ड की बात करें
बोर्ड के अंदर एमसीक्यू जा रहे हैं, और एमसीक्यू भले ही आपके सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड, दोनों में ही एमसीक्यूज बनते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। एमसीक्यूज कहें या 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहें, दोनों के अंदर ही ये दोनों के ये तीन जो पॉइंट है कौन कौन से, बॉन्ड लेंथ जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, बॉन्ड एंथैल्पीज के बारे में डिस्कस करूंगा कल, और डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के विशेषता। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी 12th बोर्ड के बच्चे के पास शेयर करें तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।